मनसुंदर में अब देखेंगे जहाँ पर आ चुकी है अग्नि की सच्चाई रूही के सामने। अब रूही को पता लगने वाला है कि अग्नि जो भी कर रही है वो जानबूझकर कर रही है, और ये सब जितना भी नाहर के साथ कांड हुआ है ये सब अग्नि की वजह से हुआ है। यहाँ पर नाहर को चोट लगी या फिर उसकी याददाश्त गई या फिर पुलिस घर पर आई, ये सब कारनामे के पीछे रूही नहीं बल्कि अग्नि ही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसे पता लगने वाला है कि ये सब कर रहा है कोई और नहीं बल्कि रूही। यहाँ पर अग्नि जो है आइसक्रीम खा रही होती है, उसे आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा होता है। जूही अपना जो कैसेट होता है जो समर उसके लिए भेजा होता है वो भूल जाती है दुकान पर, तो जूही का एड्रेस जो होता है वो चेंज हो गया, उसके ससुराल का हो गया है। तो एक कोरियर बॉय आता है और वो जूही के घर यानी कि रूही जहाँ रहती है गोयनका हाउस, वहाँ पर देकर कहता है ये जूही का घर है। रूही कहती है हाँ ये जूही का ही घर है, क्यों? वो कहते हैं कि ये जूही का कुछ सामान है, आप प्लीज़ रख लीजिए ना, साइन कर दीजिए। रूही के हाथ वो कैसेट लग जाता है। रूही कहती है कि क्या ये समर भैया ने जो भेजा था वो है, एक बार सुनकर पता चल जाएगा, फ़ोन लेती हूँ, हो सकता है दूसरा कोई चीज़ हो। वो जाती है और अपने ससुर यानी कि रतन से कहती है पापा जी आपका पॉके एम मिल सकता है। वो कहता है हाँ मेरे डोरवाल में होगा, जाओ ले लो। यहाँ पर अग्नि कहती है कि रूही क्या है, तभी रूही बताने जाती है तभी उसका फ़ोन आ जाता है और वो चली जाती है बात करने। वो कहती है स्ट्रॉबेरी शेक मेरे कमरे में भिजवा देना। रूही कहती है ठीक है। रूही जाती है लेकर सुनती है उस नाहर के पिता यानी कि रतन के रूम में होता है सुनने वाला, तो उसमें लगा कर सुनती है कुछ ख़राब सा होता है। वो सुनती है जो समारा होता है उसका मैसेज, उसके बाद वो बंद नहीं होता, वो रख देती है बंद जाता है। तभी कहती है अच्छा हुआ कि समर भैया का मैसेज बंद हो गया। उसके बाद वो तभी चालू होता अग्नि वाला जो पुलिस को बता रही होती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि ये आवाज़ किसकी है, आखिर ये जो है बोल कौन रहा है, बोलने के तरीके से तो लग रहा है कि ये अग्नि बोल रही है, तो क्या सच में अग्नि ने ही पुलिस को बुलाया था? मुझे ये बात पता करनी होगी कि हमारे अगर, लेकिन ये सब अग्नि क्यों करेगी? अगर वो करेगी तो उसी को नुकसान होगा क्योंकि उसकी शादी गैर कानूनी है। तभी नाहर आता और कहता है कि क्या बात कर रही है तुम शादी के बारे में क्या बात कर रही हो, किसकी शादी? रूही कहती है नहीं नाहर जी किसी की शादी नहीं। तभी नाहर जो है कहता है ठीक है, वो वहाँ से चला जाता है। रूही कहती है खाटू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नाहर जी ये सुनते तो उन्हें पता चल जाता कि उनकी दो शादियाँ हुई हैं और बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। रूही कहती है ठीक है अब जाइए, वो चला जाता है। उसके बाद रूही कहती है कि ज़रूर अगर ये शख्स अग्नि है तो वो क्यों ऐसा कर रही है, मुझे पता लगाना होगा कि ये शख्स है कौन। अब यहाँ पर रूही जाती है दूसरे कमरे में वो रखने के लिए, कहती है मैं इसे संभाल कर अपने कमरे में रख देती हूँ। तभी वो जाती है और देखती है कि अग्नि जो है वो सिंदूर लगा रही होती है जानबूझकर, वहाँ कोई भी नहीं होता है। रूही कहती है अग्नि तुम ये सिंदूर क्यों लगा रही हो, तुम्हें तो जो है यहाँ पर नाहर जी भी नहीं है, घर वाले भी नहीं है, तो तुम ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? अग्नि कहती है कि मैं मुँह धोकर आई थी तो मेरा सिंदूर धुल गया था, इसलिए मैं लगा रही थी ताकि जो है नाहर को देख कर शक ना हो और वो कुछ ऐसा वैसा ना सोचे इसलिए। और रूही फिर सोचने लगती है। उसके बाद वो सिंदूर कहती है कि सिंदूर गिरने पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? अग्नि कहती है कि नहीं, अगर मुझे ऐसे ही गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा नहीं आया था। रूही अब सोचने लगती है सारी पिछली बातें, जब वो अपना सामान जो है लाती है नाहर के कमरे में शिफ्ट करती है और वो खाना देने की बारी आती है तब भी वो रूही से छीन लेती है, जो भी मतलब होता है वो वाइफ की तरह व्यवहार करती है। रूही कहती है मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ना जब से अग्नि की नकली शादी हुई है नाहर जी से तब से वो पत्नी जैसा व्यवहार कर रही है, तो क्या ये जानबूझकर हुआ था? अब मुझे चौकन्ना रहकर पता लगाना होगा। यहाँ पर पलक जेल से भाग रही होती है और वो चोरनी जो होती है वो चोरनी उसके साथ भागने वाली थी, चोरनी तो भाग जाती है लेकिन पलक फंस जाती है। पलक को पुलिस ने पकड़ लिया है और पलक को पुलिस पकड़ने के बाद वो फिर से अब जेल में ही पड़ी रहेगी, क्योंकि वो अगर जल्दी से भाग जाती नहीं तो वो फिर से पकड़ी गई है। अब पुलिस उसे फिर से पकड़ ली है, तो देखते हैं पलक अपनी बेगुनाही साबित कैसे करेगी। और यहाँ पर अब रूही फ़ोन करके दूसरे के फ़ोन से सुनने वाली है अग्नि की आवाज़, और उसे पता लगने वाला है जो भी ये सब हुआ है ये सब कोई और नहीं बल्कि अग्नि ही की है।